सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग सब फ्रेंड्स। अभी हम आए हैं नदी, अभी हम नहाने के लिए आए हैं और आज सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और नदी को आपको दिखाते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। आज तो यार बारिश होने वाली है, पूरा आसमान में काला बादल छाया हुआ है चारों तरफ, देख सकते हो। मतलब कि अभी से अंधेरा करना शुरू कर दिया है, काला बादल हर तरफ है, जहाँ तक देख पा रहे हो वहाँ तक काला बादल है, देख सकते हो। आज तो बारिश होगा ही होगा। तो आज का एक काम ख़त्म और घर जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद काम के लिए निकल जाएंगे। तो आज आपको रास्ते की व्यू दिखाएंगे क्योंकि आज नया साइड पे जाएंगे। तो कौन से साइड पे जाएंगे और कितना दूर है ये तो हमें भी पता नहीं है, बट जाने के बाद पता चलती है कि कहाँ कौन से साइड पे काम करने के लिए जाना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं काम के लिए और अभी स्टोर के पास आए हैं और सामान देख के पता चल रहा है कि अभी कहाँ जाना है। शायद हैंडपंप लगाने के लिए जाना है या फिर हैंडपंप ख़राब है उसको रिपेयर करने के लिए जाना है। देखिए सामान दादा को किरा को उधर एना को कैमरा सामने रखो, कैंडी जाओ काम को उठिए भाई। तो आपको बता रहा था कि सुबह आसमान में बादल काला बादल है, तो करीब 10 बजे से शायद, हाँ 10 बजे होंगे तब से लगातार बारिश हो रहा था और हम जहाँ जाने वाले थे काम, मतलब चापाकल लगाने वाले तो बोल रहे थे, बट वो एक स्कूल है ठीक है, और वहाँ पे चापाकल निकालेंगे, मोटर निकालेंगे और नया मोटर डालेंगे। तो एक मोटर का ऑर्डर दिया गया था, तो वो वाला मोटर समरसेबल मोटर आया नहीं है। तो अगर लगभग ये 2 बजे तक आ जाए तो हम स्कूल में जाएंगे, मोटर लगा के वापस आएंगे। अगर और देरी हो गई तो वहाँ जाएंगे और लगाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब बहुत लेट हो जाएगा, इसके वजह से कल जाएंगे। तो अभी हम आए हैं घर में और खाना खा लिए और बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और मेरा बाल भी भींग गया है। उधर जब जहाँ जिस जगह पे हम काम कर रहे थे उसी जगह पे भी बारिश हो रहा था और थोड़ा बारिश हो रहा था और थोड़ा रुक रहा था, तो बाहर निकलते थे और काम कर रहे थे, अगर फिर बारिश आ जाता था अंदर घुस जाते हैं, अंदर का काम करते थे। तो इसी तरह करते करते थोड़ा भीग गया, बाल भी भीग गया और मैं भी थोड़ा भीग गया था। तो टाइम हो गया खाना खाने के लिए आ गए, तो फिर से और एक बार जाएंगे उधर और आपको दिखाएंगे इस घर का नज़ारा और थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे। फिर भी और एक बार वहाँ पर वीडियो बना चुके हैं हम। घर के सामने एक ट्रैक्टर, मतलब खेत रोपा रोपी करने के लिए वो हल कर रहा है, तो आपको अभी दिखाएंगे उसका नज़ारा। जगह पे हम काम कर रहे हैं, ये सामने दिख रहा है बिल्डिंग, इस पर काम चल रहा है। उधर सीढ़ी लगा हुआ देख सकते हो, इधर साइड में एक बिल्डिंग, इसका भी काम ख़त्म हो गया है। तो हम जब भी घर में रहते हैं थोड़ा टीवी देख लेते हैं और मूवी वगैरह देख लेते हैं, साउथ डोवेड हिंदी डोवेड मूवी देखते हैं और हिंदी फिल्म तो देखना ही देखने को मन नहीं करता क्योंकि कॉपी ज़्यादा करते हैं इसीलिए।
ये अपना बस्ती का एक दुकान है, यहाँ पे ब्रेड चुप लेने के लिए आए हैं। गरम नहीं लगी कहीं फिर देख खाई खाई जीवी गरम। ये अपना बस्ती का रात का सीन है, तो घर की बाहर कोई बल्ब जलाता नहीं। तो आज सुबह से बहुत बारिश हो रहा है और बारिश कुछ टाइम के लिए रुकेगा तो हम काम के लिए निकल जाएंगे, बट बारिश नहीं रुक रहा है। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा बाय बाय।